ये तुम्हारी बहू नहीं है, ये जोया की बेटी है। तन्वीर सनम, असद और जोया की बेटी है। या अल्लाह, ये हमने क्या कर दिया। मैं बोलूंगी तो बोलेगी कि बोलती है बेगम साहिबा। अरे खुदा ने तो तुम्हें ईदी पहले ही दे दी। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। अल्लाह कैसा मजाक हुआ है, खुद अपने हाथों से अपनी सबसे बड़ी आफत को बेटे की बीवी बनाकर घर में ले आई। और हैरानी तो इस बात की है कि तुमने उसका पूरा नाम जानने की जरूरत ही नहीं समझी। सनम, अरे सनम असद अहमद खान और सोया अहमद खान की बेटी है। मेरे अम्मी अब्बू यहाँ भोपाल में ही रहते थे। जब मैं बहुत छोटी थी तो मेरे अम्मी अब्बू का इंतकाल हो गया। मेरे अब्बू, उनका नाम था आपके अब्बू का नाम जी मरहूम। अब वकील साहब, वो आप हमें मकानों की लिस्ट देने वाले थे ना, हमें आपकी पोती का हाथ अपने बेटे आहिल के लिए चाहिए। या अल्लाह, सनम की बड़ी अम्मी और कोई नहीं दिलशाद है, और हमने उसकी जान बचाई उसकी। ये और लो, अजीब किस्मत पाई है बेगम साहिबा। अरे जिस औरत को बरसों पहले मारना चाह रही थी, आज आज उसी की जान बचाई है। अब जरा सोचो कि जब वो ठीक हो जाएगी तब क्या होगा। उसकी गुस्से की कहर के आगे ये महल, ये चौबारा सब रेत कितने फिसल जाए। तौबा तौबा, वक्त करवट ले रहा है बेगम साहिबा। हाँ, सच कहूं तो तुम्हारा आखिरी वक्त दूर नहीं है। कहते हैं कि दुश्मनों को अपने करीब रखना चाहिए, लेकिन इतना करीब नहीं कि वो कलाई खोद दे। बेगम साहिबा के पास संभाला। सनम, बेगम साहिबा ये गहने ये तो चल। क्या हुआ, क्या हुआ बेगम साहिबा, कहाँ लेके जा रही हैं आप? बेगम बेगम साहिबा क्या हुआ अचानक आप? बेगम साहिबा, वकील साहब का फोन है।
उन्हें कुछ पेपर्स पे सनम के सिग्नेचर्स चाहिए। या अल्लाह, ये क्या मुसीबत है। ठीक ही कहा है रजिया भी, हम खुद ही इस आफत को अपने घर उठा कर ले आए, और अब इस बला को टाल भी नहीं सकते। जब तक सब कुछ हमारे नाम नहीं हो जाता, हमें इस मुसीबत को अपने अपने पास रखना ही होगा, इस आस्तीन के सांप को पालना ही होगा। या अल्लाह, क्या हुआ बेगम साहिबा? हाँ, नहीं नहीं, कुछ नहीं अस्मा बेटा, वो बस हम सरम को ले जा रहे थे कुछ लोगों से मिलवाने के लिए, इसलिए इतनी जल्दी जल्दी में उसे ऐसे खींच के ले जा रहे थे। सरम बेटा, हमें माफ कर देना, वो थोड़ा हम जल्दी में थे ना, इसलिए। कोई बात नहीं बेगम साहिबा, एक सेकेंड। हाँ वकील साहब, अब किस पेपर्स पे आपको सनम के सिग्नेचर चाहिए? अब मैं बोलूंगी तो बोलोगे कि बोलती है, बाखुदा रे अंधी हो गई, लेकिन लेकिन दौलत पर बुरी नजर रखना अभी तक बंद नहीं किया। खुदा का कि मेरी नजर अभी तक तेज है, और इस नजर से कुछ भी छुपाना बड़ा मुश्किल है मिल्लो रानी। याद आया, ये हार बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही है ना जैसा और तुमने मुझसे छीन लिया था। अब जब गुजरा हुआ वक्त वापस आ ही गया है, तो मुझे ये हार भी वापस ले लेना चाहिए बेगम साहिबा। मुझे रोकने से पहले एक बार सोच लीजिए, ऐसे बहुत से राज है जो इस सीने में दफन हैं बेगम साहिबा, और उनमें से अगर एक राज भी सनम तक पहुंच गया ना, तो तुम बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। सच कह रहे हैं, अंधी तो तुम हो ही गई हो बेगम साहिबा, लेकिन अपना भला बुरा तो देख सकती हो ना। अरे अगर मैं तुम्हारे साथ रहूंगी तो सोचो हम दोनों मिलकर क्या कुछ नहीं कर सकते। बेगम साहिबा, बुरे वक्त में तुम्हें भी तो अपने पास कोई चाहिए, और मुझे क्या चाहिए? मैं तो सिर्फ इस घर में रहना चाहती हूं, पहले की तरह। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर।